अबे तेरे को ना खादे बाँज कहीं को लो पैसे घेन ते दवाई घेन सांप ने डस लिया और आप मुझे अभी बता रही हैं। इसको काबू करके रखो, अभी इसकी दवाई लेते हैं। मामू अब्बू को सांप ने डस लिया है, आप मेहरबानी करके मेरे साथ चले, उनको अस्पताल लेके चलते हैं। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मेरा कुत्ता बीमार हो गया है, उसकी दवाई लेने के लिए जा रहा हूँ। और तुम्हें पता भी है इसकी कीमत क्या है, निकलो यहाँ से। मामू अब्बू की हालत बहुत खराब है, अगर उसे टाइम पे अस्पताल न लेके तो वो मर जाएंगे। पूरे 20 साल हो गए तुम और तुम्हारा बाप भीख ही मांगते रहे हो, काम काज कुछ ना करना, अब्बू की हालत खराब है, टाइम खोटा कर दिया है। शेफ भाई बात सुने। जी जी भाई। शेफ भाई मेरे अब्बू को सांप ने डस लिया है, आप मेहरबानी करें मुझे अपनी सवारी भी दें और थोड़े पैसे भी दे दें, आपको खुदा का वास्ता है। अरे भाई आप तो जानते हैं आजकल मौसम के हालात बहुत खराब हैं और मेरी भैंसें दूध भी नहीं दे रही, और जो मेरी मोटरसाइकिल है वो तो मेरा छोटा भाई लेके चौक पे गया हुआ है। शेफ भाई आपको अल्लाह का वास्ता मेरी कुछ मदद करें, मैं बहुत बेबस हूँ। क्या मदद, लफो जो यहाँ से, मेरे पास कुछ नहीं है। अरे जमशेद भाई अस्सलाम वालेकुम, रो क्यों रहे हो आप? शानी भाई बाबा को सांप ने डस लिया है, आप मेहरबानी करके अपनी सवारी मुझे दे दें और कुछ पैसे भी दे दें खुदा के लिए। अरे जमशेद भाई कारोबार के हालात बहुत खराब कर रहे हो, एक हफ्ता पहले मैंने बाइक ली है 25 मॉडल, वो मैं किसी को दे नहीं सकता, माजरात आप जा सकते हैं। शानी भाई आप तो मेरे दोस्त हैं और आपकी नई बाइक मेरे अब्बा की जिंदगी से ज्यादा अहम तो नहीं है। यार दफा हो जाओ, पहले भी मेरा मूड सुबह से खराब है, आप दफा हो जाओ यहाँ से। सबके पास गया और किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। अब आप ही उदयवान दवाई घेना, मेरे को लो ये पैसा। बेटा रुक जाओ, जी अब्बा। बेटा मेरा आखिरी वक्त आ गया। अब्बा ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, आपकी दवाई लेने जा तो रहा हूँ। बेटा मैं इस सांप की वजह से नहीं मर रहा, मैं उन सांपों की वजह से मर रहा हूँ जिसके पास तुम गए हो, इनके साथ इनकी खिदमत के उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया। अब्बा रिश्तेदार होते ही ऐसे हैं, आपने पूरी जिंदगी उनकी खिदमत की लेकिन जब हम पर बुरा वक्त आया तो किसी ने मदद नहीं की। बेटा मैंने सारी जिंदगी अपने आस्तीनों में सांपों को ही पाला है। ਫਿਕਰ ਦਾ ਸਹਿਜ ਉਭਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਚੇਨਿਆ ਸ਼ਾਮ ਥੀ ਵੈਂਦੀ, ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਰੋਨਨ ਬੁੱਖ ਤੋਂ ਸਮਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਕੋ ਖਿਦੇਨੇ ਸ਼ਾਮ ਥੀ ਵੈਂਦੀ। ਦਿਖਾਵੇ ਔਰ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹਮ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੋਂ ਕੀ ਵੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਬ ਉਸ ਪਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਆਤਾ ਹੈ ਤੋ ਆਸ ਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਤਾ। ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਯੇ ਮੈਸੇਜ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤੋ ਇਸੇ ਆਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਂ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਪੇਜ ਕੋ ਫਾਲੋ ਕਰੇਂ।